हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सर्कल ड्रेस की स्टिचिंग वीडियो लेकर आए हैं। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले जो हमारे टॉप पार्ट है इसके गले को बनाना है। इस वीडियो में मैं आपको गला बनाना नहीं बता रही हूँ, इससे पहले मैंने वीडियो में गला बनाना बताया था। मैंने दोनों गले बना लिए हैं। सबसे पहले हमें गले बनाने हैं और हमें फ्रंट पर्दे को सीधा रखना है। इसके बाद बैक पर्दे को इसके ऊपर उल्टा रखना है और यहाँ पर जो तीरा है यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। यहाँ पे हमें दोनों तरफ सिलाई लगानी है और ऐसे दूसरी तरफ भी ये सिलाई लगाएंगे हम। सिलाई मैंने लगा ली है। इसके बाद अब हम आर्म होल्स बनाएंगे। आर्म होल्स बनाने के लिए हमें कपड़े को ऐसे सीधा रखना है और एक पट्टी कट करनी है। ये पट्टी हम तिरछी कट करते हैं, इसकी चौड़ाई हम 2 इंच लेते हैं और फोल्ड करके हमें इसे ऐसे रख के सिलाई लगानी है। ध्यान रखें जब भी ये सिलाई लगाएं आप तो इसे हल्के हाथ से खींच कर ही लगाएं। ध्यान रखें हल्के हाथ से खींच के लगानी है, ज़्यादा खींच के हम ये पट्टी नहीं लगाते हैं। हल्के हाथ से खींच के हम ये पट्टी लगाएंगे और सिलाई हमारी एक सीध में ही होनी चाहिए, कम ज़्यादा ना हो। सिलाई हमने लगा ली है। इसके बाद हम इसमें कट लगाएंगे। कट हम गोलाई में लगाते हैं अधिकतर, वो हम इसलिए लगाते हैं ताकि झोल ना आए। और जब भी हम ये कट लगाएं तो ध्यान रखें सिलाई हमारी कट ना हो। कट लगाने के बाद अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। बैक साइड में हम इसे पूरे तरीके से ही फोल्ड करेंगे, किनारी हमें नहीं निकालनी है और सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें यहाँ भी जब हम सिलाई लगाएं तो सिलाई हमारी एक ही सीध में आए, कम ज़्यादा ना हो। कम ज़्यादा होने से फिनिशिंग नहीं आती है, तो इस तरीके से हमें ये सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई भी मैंने लगा ली है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ के आर्म होल्स को बना लें। एक तरफ का मैंने आपको बनाना बताया है। मैंने दोनों तरफ के आर्म होल्स बना लिए हैं। अब हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइड में। ऐसे हमें दोनों साइडों में मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है और इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लें। मैंने एक तरफ आपको सिलाई लगाना बताया था, दूसरी तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब हम ये जो नीचे का घेर है ये तैयार करेंगे। तो हमें वो लेनी है टॉप, और टॉप को हमें घेर से ऐसे निशान लगाने हैं वेस्ट के। या आप इंची टेप से भी नाप के लगा सकती हैं, और इंची टेप से नाप के ना लगाएं तो आप ऐसे कपड़े से ही ऐसे नाप के भी निशान लगा सकती हैं कि हमें कितनी सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से आप दूसरी साइड में भी निशान लगा लें। अब हम दोनों साइडों में ये सिलाई लगाएंगे। पहले हम इधर की साइड में सिलाई लगाएंगे, इसके बाद दूसरी साइड में भी हमें ये सिलाई लगानी है। यदि फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। एक साइड में मैंने सिलाई लगा ली है और इसी तरीके से आप दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लें। मैंने दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है और घेर को मैंने ऐसे उल्टा रखा है और टॉप पार्ट को हमें सीधा रखना है। सीधा रख के हम इसे ऐसे घेर में हमें इसे ऐसे रखना है और यहाँ पे वेस्ट को हमें मिलाना है और सिलाई लगानी है। अब ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें जब भी हम सिलाई लगाएं सिलाई हमारी एक ही सीध में आए, कम ज़्यादा ना हो। और इसी तरीके से हमें ये पूरे जो वेस्ट है इसमें सिलाई लगा लेनी है। और जो मैं ये तरीका लेकर आई हूँ ये बहुत ही आसान है। यदि आपको फिर भी समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही हमें इसमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। और फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, यदि आप इसकी लेंथ और भी बढ़ाना चाहती हैं इतने ही कपड़े में और नीचे का जो हिस्सा है और बड़ा बनाना चाहती हैं, तो आप जो हमारा कपड़ा इसमें नीचे की तरफ बचा था आप वहाँ पे पट्टी लगा के इसे बढ़ा लें। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और हमें इसे ऐसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद अब हमें इस वेस्ट के ऊपर सिलाई लगानी है जो हम लगाते हैं। ध्यान रखें जो हमारा सिलाई वाला कपड़ा है उसे हमें ऊपर की तरफ करना है
और सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, अब हम इसे नीचे से फोल्ड करेंगे। नीचे से फोल्ड करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जितना हमने पहली बार फोल्ड करते हैं उतना ही हमें लास्ट तक करना होता है। इसे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। और या आप फिर पीको कर लें, मैं इस पर पीको कर रही हूँ, आप इसे फोल्ड भी कर सकती हैं। और जो हमारा ये घेर है इस पर हमें पूरे पर ही इसी तरीके से पीको करनी है। और जो हमारी ये बेबी ड्रेस है ये कंप्लीट है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रचना बुटीक चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।